कमान, एक तीर एक कमान, जय ग्वार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय ग्वार का नारा है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मतों के सिवा कुछ भी नहीं। और ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, और इलाज इसका महाविकास आघाड़ी के सिवा कुछ भी नहीं। आज हम लोग क्रांति सूर्य धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर आज यहाँ पे आए हुए हैं। उसी तरह से मैं कहूंगा कि 1,25,000 से एक लड़ाऊ तभी गुरु गोविंद सिंह कहलाऊ। और उसी तरह से गुरु नानक देव जी जो थे उन्होंने कहा था, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू ना छाड़े खेत, सूरा जो जानिए जो लड़े दिन के है। इसीलिए मैं गुरु नानक देव जी के चरण छूता हूँ और उनके विचारों को समर्पित मैं कहूंगा कि आज जो हम बिरसा मुंडा की जयंती पे यहाँ पे जमा हुए हैं, तो बिरसा मुंडा ने केवल 25 साल में सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजकीय क्रांति की थी, और इसी को क्या कहा था, उल गुलान। लेकिन आज हमको स्वतंत्रता प्राप्त करके 75 साल हुए हैं, लेकिन हमें हर मतलब सही तरीके से स्वतंत्र मिला है क्या? ये क्या कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं आज अमृत काल चालू है, लेकिन ये अमृत काल किसके लिए चालू है, अंबानी अदानी के लिए, जो कारपोरेट है उनके लिए, लेकिन जो मेहनत कश है उनकी अवस्था आज बहुत दयनीय है। हम देखेंगे कि मणिपुर की घटना आपको मालूम है, आज 1,25,000 हो गया, लेकिन जो महामहिम प्रधानमंत्री है हमारे वो वहां तक नहीं गए हुए। मणिपुर की घटना का जिक्र आपको मैं करूंगा कि आपको मालूम नहीं है वहां पे किस तरह से वे घटना घटी थी। तो वहां पे जो कुकी आदिवासी रहते थे उनको मारने के लिए, क्योंकि कुकी आदिवासी जहाँ पे थे वहां पे जो खदाने थी और उसमें जो खनिज संपत्ति थी उसको हथियाने के लिए इन्होंने वहां का जो सीएम है तो वहां पे 75,000 जो है वो गोलियां, मतलब जिंदा कारतूस जो होते वो गोलियां, और 7,500 जो बंदूकें है वो छीनी गई, और आदिवासियों का कत्लेआम किया गया, और हमारी आदिवासी बहना को नग्न करके उन्होंने उनका मतलब नग्न घुमाया और बलात्कार भी किया। तो ये जो है ये सब बातें हैं, ये अभी घट रही है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि राहुल गांधी जी ने ये जो नफरत का कारोबार है इसे मिटाने के लिए और मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए उन्होंने 6,000 किलोमीटर यात्रा की, और हमारे इलाके से वो यहाँ से गुजरे, और हमें बड़ा गर्व है कि वो भिंगाना में हमारे आदिवासी बंधुओं से वार्तालाप किया। ये जो संवादहीन और असंवेदनशील काल है उसमें उन्होंने हमारे आदिवासियों की जो समस्या वो जानी, और उन्होंने उनके साथ में जो है वार्तालाप किया। ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि हम देखेंगे कि वाशिम में जो बहुत बड़ा मेला हुआ था हमारे शिवाजी राव मोघे जो की आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने वाशिम में आदिवासी का मेला रखा था। मैं आदिवासी के जो भारत जोड़ो यात्रा है मैंने वहीं से ज्वाइन किया था, और कंटा मामा के गांव तक जो कि खंडवा में मैं या बहरानपुर होते हुए वहां तक गया था। तो उन्होंने ऐलान किया था कि आदिवासी जो है वो यहाँ का मूल मालिक है, और यहाँ का जो जल जंगल जमीन है उस पर पहला अधिकार किसका होगा, तो केवल आदिवासी का है, और आदिवासी वनवासी नहीं है। आपको वनवासी किसने बनाया ये आपको मालूम होना चाहिए। ये वनवासी आश्रम में हमारे भीमराव पटेल भी काम करते थे, लेकिन उन्होंने ठोकर मार कर वो बाहर निकले, वो केवल आपके लिए बाहर निकले, क्योंकि संविधान ने जो आपको हक अधिकार दिए है, मूलभूत मानवाधिकार दिए है, शिक्षा का अधिकार दिया है, आरोग्य का अधिकार दिया है, जिससे आप आज भी वंचित है 75 साल के बाद। और इनके लिए क्या है, केवल कारपोरेट के लिए ही इनके पास सब योजनाएं है। हमने अभी देखा पीछे कि 1,600,000 करोड़ रुपए जो है ये
अंबानी अदानी जैसे जो 24 बड़े कारपोरेट है इनके इन्होंने माफ किए, लेकिन आदिवासी योजना में जो पैसे आते हैं तो ये सिंचन में, फिर कोई भी दूसरी रोड वाली योजना हो उसमें ये डाइवर्ट करते हैं और उनके हक का हक जो है वो भी वहां पे मारा जाता है। इसलिए हमको जागरूक होना जरूरी है। वो जागरूक क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो जमहूरियत है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसमें आम लोग जो है वो सर्वशक्तिमान होते हैं। हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया है और अदानी को भी एक ही वोट का अधिकार है, इसलिए उसका सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। आप मुझे बताइए, आप जब तक वोट देते नहीं तो गांव का ग्राम पंचायत सदस्य तैयार होता है क्या, बोलिए? आप जब तक वोट देते नहीं सरपंच होता है क्या, पंचायत समिति का सदस्य, जेडपी सदस्य या सभापति होता है क्या? उसी तरह से आमदार आपके वोट के बगैर हो सकता है क्या? तो जो पैदा करता है वो कौन होता है? माँ बाप। तो आप कौन है? माँ बाप है आप। तो ये जो वोट है ये हमको सही जगह पे देना ये बहुत जरूरी है। आज तक क्या हुआ, आप इसके पहले जो है टोटल जो वोट है, मतलब मैक्सिमम भिलाला बारेला का जो वोट है वो बीजेपी को ही जाता आया था, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने आपके लिए कुछ भी काम नहीं किया। 20 साल तक उनकी सत्ता थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं कहूंगा कि हमारे मित्र भिलाला से आए हुए सरदार आवास से वो ह्यूमन राइट तक गए तो उनका 75 साल के बाद वो रास्ता हुआ, और हमने भी कलेक्टर साहब हो, फॉरेस्ट वाले हो, उनके साथ हमने मीटिंग लगाई और मीटिंग लगाने की वजह से हमको ये हक मिला। मतलब ये 20 साल तक कुछ भी नहीं कर पाए वहाँ पे। उसी तरह जुबान सिंह भी आए हुए, हमने पिछली बार देखा कि वहाँ पे 4-4 मौतें हुई। ये 4-4 मौतें को जवाबदार कौन है? 75 साल बाद वे बोलते है अमृत काल आया, लेकिन जो आदिवासी है वो मरने को ही हर जगह पे तैयार है। तो हमें सही जगह वोट देना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर स्वाति तय वाक्य कर हम देखेंगे कि पिछली बार जब गोमाल में ये हादसा हुआ था, जो डायरिया से लोग मरे थे, तो हमारे डॉक्टर संदीप वाक्य कर यहाँ पे है, तो ये इन्होंने वहाँ पे आपके लिए जो है दवा खाना खोला था और सबसे पहले वहाँ पे वो पहुंचे थे। तो आप इनके जो सुमित्य पत्नी है उनको जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? हाँ बिल्कुल। तो फिरका परस्ती अब देश की शान बन गई। फिरका परस्ती बन गए सांप्रदायिकता, धर्मांधता, फिरका परस्ती अब देश की शान बन गई। मोदानी मॉडल की वही पहचान बन गई। मोदानी वाला मोदी, अंबानी अदानी, मोदानी मॉडल की वही पहचान हो गई। सपने दिखा रहा है झूठे ही हर तरफ। माजी आमदार कृष्णराव जी इंगळे भाऊ साहेब आपल्याकडे मंचाकडे येत आहे, सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचे स्वागत करावे। भाऊ स्टेजवर या। फिरका परस्ती अब देश की शान बन गई। मोदानी मॉडल की वही पहचान बन गई। मोदी अंबानी अदानी ये मेरा पेटेंट है। मोदानी मॉडल की वही पहचान बन गई। सपने दिखा रहा है वो झूठे ही हर तरफ। मेरे देश की जनता कैसे नादान बन गई। 15-15 लाख आए क्या? हाथ ऊपर करके बोलो, अच्छे दिन आए क्या किसी के? एक भी